स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS24 इंडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं लाइव क्लास जो कि सभी परीक्षाओं के लिए एकदम अच्छे क्वेश्चन हैं और बढ़िया से हमने इसको एनालिसिस किया है। तो सभी सभी साथी लाइव आ जाएं, लाइव सेशन स्टार्ट हो गया है, सभी साथी लाइव आ जाएं जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सरकारों को एकात्मक और संघीय रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? बताइए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। वैसे तो आपके सामने लिखा है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें और ये आपके आपका जो है टेस्ट है एक तरह से। ठीक है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? बताएं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। आ जाइए लाइव आ जाइए जितने भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें जो कि सब लोग लाइव आ जाएँ, आपके साथी भी। तो साथियों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक पद पर रहते हैं? बताएं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों ये एक टेस्ट है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा टेस्ट है, NTPC के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये। जल्दी जल्दी आ जाएं लाइव। तो इसका सही आंसर बताएं, तो इसका सही आंसर होगा 65 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रियासतों के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? बताइए इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल और BB मेमन ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बना? बताएं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा मेयो, लॉर्ड मेयो। अगला क्वेश्चन है, किसी फार्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? जो स्क्रीन पर आंसर है इसका राइट आंसर करें। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा सीमांत लागत। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू GDP और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। सॉरी, सकल घरेलू और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर तो क्या होगा? विदेश से शुद्ध आय, मतलब जो विदेशों से पैसा आता है, जो हम पैसा कमा के, मतलब जो हमारे साथी पैसा कमा के लाते हैं, वो शुद्ध आय होता है वो। ठीक है, नवाड क्या है बताएं? नवाड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे लाइव सेशन से जुड़ने की कोशिश करें और लोगों को भी और दूसरे अपने फ्रेंडों को भी बताने की कोशिश करें कि लाइव सेशन चलता है, जिससे कि हमारा जो है और उत्साह बढ़ा और आपके लिए और मेहनत करें। और दोस्तों आपके लिए इसी चैनल पे मैथ की क्लास भी चालू होने वाली है, RX अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा, बुक पूरी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे RX अग्रवाल का टॉपिक वाइज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एक पोषकीय पर, दोस्तों नवाड एक जो है संस्था है जो कि, देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, एक पोषकीय परजीवी है, मतलब एक पेशीय एक कोशिकीय परजीवी है। दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। एक कोशिकीय परजीवी है तो वो है हाइड्रा। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है? बताइए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। किस अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है बताएं? इसका कौन सा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? बताइए फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों आप चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इसका होगा एनोफिलीज मच्छर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? बताइए
पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो ये मराठा और अफगान के बीच, मराठों के और अफगान अफगान के बीच लड़ाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया, बताइए। रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा राज्य अपहरण नीति के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, आप लोगों को सभी को पता होगा अगर आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बताएं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका सही आंसर होगा साबरमती आश्रम। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है, बताएं। ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा कालडेरा झील, कालडेरा झील। अगला क्वेश्चन है, हास्य गैस है, बताइए कौन सी हास्य गैस? तो हास्य गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। दोस्तों यह ऐसी गैस है जिसको इसे सूंघने के बाद में इंसान हंसता रहता है बेमतलब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉलिस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि, बताइए क्यों सूख जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, क्यों सूख जाते हैं कपड़े, पॉलिस्टर के बने कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पॉलिस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है, मतलब पॉलिस्टर एक तरह का जैसे कि फाइबर होता है, फाइबर देखा आपने जो प्लास्टिक जो होता है एक तरह से, वो उसके बने हुए कपड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण को मापता है, बताइए सौर विकिरण को मापता है, बताइए कौन, कैसे मापा जाता है? तो यह पिकनोमीटर से, कौन से मीटर से मापा जाता है? पिकनोमीटर से। तो दोस्तों इसमें मीटर जो है मापने के यंत्रों के क्वेश्चन हैं, आप इसे ध्यान से देखें, ज़्यादातर एक एक दो क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गैस को दबाने पर क्या होता है, बताइए। किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तो देखिए दाब तथा तापमान दोनों बढ़ जाते हैं, जब किसी हम गैस को जब हम दबाएंगे तो दाब और तापमान दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन किस लिए ज़रूरी है, मतलब जो हमारा ओजोन परत है वो हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, ये बताएं आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो ये जो हमें सूर्य की जो खतरनाक किरणें होती हैं, मतलब हानिकारक किरणें होती हैं, जो परावैगनी किरणें होती हैं, उससे बचाते हैं हमें ये। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें कि उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी है, बताइए कौन सा है? तो वो है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, सबसे सामान्य स्तनधारी है, बताइए सबसे सामान्य स्तनधारी कौन है? तो ये है मानव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाहन गिर पड़ेगा यदि, बताइए क्या होगा, किस तरीके से वाहन, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं और हम जैसे मुड़ाएंगे किसी चीज़ को, तो वो कैसे गिरेगा, मतलब कब गिर जाएगा वो? तो वो तब गिरेगा जब उसका गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र के बाहर हो, मतलब जब हम कोई मोड़ आता है हमारा रोड पे, हम जब चलते होते हैं तो अगर हम जैसे इस तरीके से मुड़ेंगे तो अगर हम हमारा केंद्र जो है अगर सही नहीं होगा तो हम जो गिर जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बहुत तेज़ कोई मोटरसाइकिल जाती है और एकदम मोड़ आता है तो वो लोग गिर जाते हैं, तो इसी तरीके से ही पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वायु गर्म होती है, बताएं। अगला क्वेश्चन है, वायु गर्म होती है, बताएं। सवहन द्वारा होती है। ठीक है, जल का घनत्व होता है, बताइए जल का कितना घनत्व होता है? दोस्तों आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। और इसमें टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव आके कमेंट करें, चैट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर, आप तभी आपसे जो है एकदम आपके माइंड में सेट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो इसका है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग होता है, दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। तो इसका सही आंसर होगा त्रुटि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सेनेटिक बेसल्स किसने लिखी थी, बताएं। जो आपके किसी स्क्रीन पर आंसर है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जो स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो इसका सही आंसर होगा सलमान रुश्दी। अगला क्वेश्चन है, माप की मीट्रिक
प्रणाली देश में कब शुरू हुई थी बताइए। माप की मीट्रिक मीट्रिक प्रणाली देश में कब शुरू हुई थी बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें तो इसका सही आंसर होगा 1957 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है बताइए। इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें तो इसका सही आंसर होगा आपका पेरियार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है बताइए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों के वलियों पर चढ़ते हुए हिमनंद का क्या प्रभाव होता है बताइए। तो इसका सही आंसर, उनकी आकृति बिगड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस शहर को सबसे हरा माना जाता है बताइए। भारत में किस शहर को सबसे हरा माना जाता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें तो इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था बताइए। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो किया था मराठों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है बताइए। कौन सा ग्रह करता है 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा, तो वो कौन सा करता है, बुध करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया बताइए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले ने, किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है बताइए। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो यह है आपकी सिक्किम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, अगला दोस्तों आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स करके हमें बताएं, और कोई आपके पास कोई भी सुझाव हो तो हमें सुझाव भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो आपके आपके लिए बनाएंगे और आप चैनल पर अपलोड करेंगे या फिर लाइव सेशन आए लाइव कोई भी वीडियो चलाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।